नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस डेली में आप लोग के लिए चार बेहतरीन स्टॉक ढूंढ के लाता हूँ। सारी एनालिसिस हमारे चैनल पर, IPO और म्यूचुअल फंड की जानकारी भी दी जाती है। तो और सब्सक्राइब करने के बाद सामने लगा हुआ बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी, जैसा कि मैं बार बार आप लोग को बोल रहा था कि बैंक निफ्टी में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल है। पहला है 30,070 के ऊपर क्लोजिंग और दूसरा है 29,470 के नीचे की क्लोजिंग, इसको नीचे लेके आएगी। या 29,470 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लगा तो हमारा टारगेट, दो दिन में ही मैंने टारगेट इस पर आपका 29,000 का टारगेट इसको बताया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, आज इसने यहाँ पे क्लोज किया और क्लोज करने के बाद में देखिए नीचे की तरफ ही क्लोज किया, यानी लोअर एंड पे जाके इसने क्लोजिंग दी है। कोई भी रिकवरी यहाँ पे लास्ट में नहीं है, जब सारी जो बिकवाली आई है वो लास्ट के घंटे में ही यहाँ पे आई है। तो देखिए, कई दिनों से या बहुत दिनों से देखिए 29,500 को कंटिन्यू होल्ड कर रहा था, इसने आज ब्रेक किया। जैसा कि मैंने बोला था कि ICICI बैंक ही बताएगा कि ये इसको ऊपर लेके जाना है या फिर नीचे लेके जाना है। ICICI बैंक के रिजल्ट देखिए, रिजल्ट ठीक ठाक थे। जब प्रॉफिट जो उनका था, जो प्रॉफिट मार्केट सोच रहा था कि प्रॉफिट डबल हो जाएगा, वो प्रॉफिट उनका 5% घट के आया था क्योंकि उनकी प्रोविजनिंग बढ़ गई थी। तो इसलिए फिर मार्केट ने ICICI बैंक पे प्रेशर बना और ICICI बैंक पिटा और ये बैंक निफ्टी को नीचे लेके यहाँ पे आ गया। इंपॉर्टेंट लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके क्लोज किया है। तो हमारा टारगेट एक से दो दिन में ये 29,000 का पहले हमारा टारगेट यहाँ पे होगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अब बाइंग हम तभी करेंगे जब ये 29,530 के ऊपर क्लोज करेगा। ध्यान रखिए, अब बाइंग की पोजिशन बैंक निफ्टी में, देखिए कल की बात कर रहा हूँ, 29,530 के ऊपर कल क्लोज करेगा, उसके बाद ही हमारी बाइंग की पोजीशन एक्टिव होगी और वो फिर इसी जोन में आ जाएगा। 29,500 से लेके 30,000 वाली जोन में यहाँ पे आ जाएगा। वॉलीटिलिटी और बढ़ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे इलेक्शन के ये पाँचवा छठा चरण का चुनाव होगा तो धीरे धीरे वॉलीटिलिटी और आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इस पर आप फोकस बना के रखिएगा, बिल्कुल क्लियर देख के ध्यान रखिएगा। मार्केट को बहुत सारे लोग वन वे ट्रेड करते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो वन वे नहीं ट्रेड कर सकते हो। हमेशा अपने लेवल को इंपॉर्टेंट दीजिए। जिस दिन आप अपने लेवल्स को इंपॉर्टेंट देना शुरू कर देंगे, उस दिन आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने लगेंगे। पहले से व्यू बना के मत रखिए कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। देखिए, अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं तो हमारे पास कुछ लेवल है, उस लेवल के ऊपर है तो मैं बैठा हूं। इंट्राडे ट्रेडर हूं तो भी मेरे पास कुछ लेवल है, उस लेवल के ऊपर या नीचे ही मैं बाइंग या सेलिंग करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि स्टॉक ट्रेंड अच्छा है तो ऊपर ही जाएगा, जरूरी नहीं है ऊपर जाए, शायद गैप अप ओपन होकर वहीं से कंसोलिडेट करने लगे। तो हमेशा आप अपने लेवल पर फोकस कीजिए। जब तक आप लेवल पे फोकस नहीं करेंगे, इंट्राडे में पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहां पे देखिए, जो 20 मूविंग एवरेज, जैसा कि कल मैं बता रहा था 20 और 30, तो आज इसने देखिए 30 का ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया, जिसको काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। अब इसके नीचे इसने क्लोजिंग कर दी है तो हमारा टारगेट इस पर अब 29,000 का है, जो कि कल और परसों में आ जाना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं ऐसे बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी को वीक कर रहे हैं और वीक भी कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। इलाहाबाद बैंक बैंक निफ्टी का नहीं है, लेकिन फिलहाल इस पर मेरा अभी कोई व्यू नहीं है। ये स्टॉक धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से आपको 44 तक मिल जाएगा। एक्सिस बैंक, इस पर नज़र बना के रखिए, ये आ चुका है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास में। अगर ये भी इसको ब्रेक करना कंटिन्यू स्टार्ट कर देता है तो शायद इसमें भी एक बड़ी मंदी, यानी फिर से ये स्टॉक 700 के पास तक आपको दिख सकता है। तो एक्सिस बैंक पर नज़र बना के रखिए, काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाया इसने अप्रैल में, मार्च में ये पूरा सपोर्ट बना के रखा है। इस जोन को जैसे ही ये ब्रेक करते हुए दिखेगा, समझ लीजिएगा ये स्टॉक पहले 720 और फिर ये 700 के लेवल आपको दिखाएगा। बैंक का बड़ौदा वीक ही है, जैसा कि मैंने बोला था ये स्टॉक्स अगर फिर से 100 इस लो को ब्रेक करता है, जो बड़ी कैंडल बनी हुई है, तो इसका जो टारगेट होगा वो 108 का टारगेट इस पे ओपन हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। बैंक ऑफ इंडिया में भी वही सिचुएशन थी, इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक ये भी आ सकता है। कैनरा बैंक 255, देखिए 260 के लेवल को इसने फिर से आज ब्रेक किया तो हमारा टारगेट इस पर अब 250 का टारगेट इस पर है। ये स्टैंड लाइन के पास धीरे धीरे करके फिर से आएगा तो ये टारगेट इस पर 250 का ओपन हो चुका है। DCB बैंक, ये मुझे स्टॉक सबसे अच्छा लग रहा था, मुझे ये स्टॉक लग रहा था 220 के ऊपर अगर फिर से क्लोज करेगा तो 232 तक जाएगा। जिन्होंने भी इसमें पोजिशन बना के रखी है वो इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। स्टॉक्स अगर 211 के नीचे कंटिन्यू आधे घंटे एक घंटे ट्रेड कर दे तो स्टॉक से निकल जाइएगा, यानी 211 आपका SL होगा। फेडरल बैंक
कल अच्छी मूवमेंट, इसने गैप अप, देखिए गैप अप जब ओपन होता है ना तो सारी वो सिचुएशन खत्म हो जाती है जो हमें खरीदना या बेचना होता है, तो वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्टॉक फिर से देखिए 100 के नीचे ही कंटिन्यू क्लोज करना स्टार्ट कर दिया, यानी 100 को क्रॉस नहीं कर पाया। जैसे कि मैं बोला 100 के ऊपर अगर ये कंटिन्यू क्लोजिंग करेगा ग्रीन कैंडल के साथ में तो हमारा टारगेट इस पे 112 का होगा, नहीं तो वापस ये फिर से 94 आ सकता है। दोस्तों अगर आप भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं मार्केट अच्छा हो, कंडीशन अच्छी हो, मेरे लेवल दिखते हो तो मैं वहां पे आपको कुछ स्टॉक्स रिकमेंड करते रहता हूं जिसको आप देखिए समझिए और सीखते रहिए। HDFC बैंक ये देखिए मेन है। अब ये देखिए फिर से दो दिन से इसी लेवल के आसपास जो हमारा 2333 था उसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है। अगर ये 210 के नीचे 2310 के नीचे क्लोज करना फिर से स्टार्ट कर देगा तो फिर ये अपनी इसी जोन में आ जाएगा, 2243 और 2330 वाले जो जोन है इसका, उस जोन के अंदर में आ जाएगा तो फिर से इससे भी उम्मीद करनी बेकार हो जाएगी, फिर ये भी नीचे की तरफ लेके आएगा। अभी इसमें एक होप है कि शायद ये यहाँ से बाउंस बैक ले, अगर कल ये लो को ब्रेक करता है, देखिए दो दिन का लो इसमें सेम है, कल के लो को अगर वापस आज कल ब्रेक करेगा आज के लो को तो स्टॉक समझ लीजिएगा पहले तो कल ये 2300 के टारगेट आपको दिखा सकता है। तो इस पर नजर बना के रखिएगा HDFC बैंक पे। ICICI बैंक, जैसे कि मैंने ICICI बैंक बोला था कि 405 के ऊपर निकलेगा तो हमें कुछ मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन आपने वो ICICI बैंक वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए मैं लेवल पे क्लियर रहता हूँ हमेशा, अगर हमारा लेवल होल्ड नहीं कर रहा मैं निकल जाऊंगा 385 के नीचे तो ये 370 तक स्टॉक आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा 385 के नीचे अगर ट्रेड करेगा और क्लोज करेगा तो 370 तक के लेवल भी ICICI बैंक यहाँ पे दिखा सकता है। अगला स्टॉक है IDBI बैंक, ये तो बहुत बुरा स्टॉक है, इसको तो अब वही 36-34 के टारगेट मिल जाएंगे। इसमें मेरे ख्याल से जिसके पास भी पोजीशन हो बेच बाज के इससे निकल जाओ, ये झोला हटा दो, ये फालतू का स्टॉक्स है, इसको निकाल दीजिए और कुछ अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। इंडसइंड बैंक 1540-1550 के नीचे हमारा टारगेट 1500 था जो कि इसने आज अचीव कर लिया है और ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोज कर रहा तो हमारा टारगेट इसमें अचीव हो चुका है और काफ़ी दूर से गिरते हुए आ रहा, तो अब नई शॉर्ट पोजीशन यहां पे क्रिएट नहीं कर सकते हम, तो यहां पे हमें वेट करना पड़ेगा, ये कुछ दिन यहां पे होल्ड करे, यानी 1550 और 1500 के बीच में होल्ड करे, फिर यहां पे नया ट्रेड एक्टिव होगा। कोटक बैंक सबसे अच्छा चार्ट इसमें भी था, तो इसके चार्ट में भी थोड़ी सी अब देखने वाली बात यह है कि ये चार्ट भी ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा। आज हमने इसको कॉल दिया भी था तो अच्छा कॉल यूट्यूब पे मैंने आप लोग को डाला हुआ था तो अच्छा चला, हमें हमारा टारगेट एक मिल गया। अब ध्यान रखिएगा पिछले तीन दिन का लो यहाँ पे सेम है, तो कोटक बैंक में 1399 के नीचे स्टॉक थोड़ा सा वीक होगा और 1399 के बाद शायद ये स्टॉक 1380 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। कर्नाटका बैंक देखिए, कर्नाटका बैंक ने 125 के लेवल को ब्रेक कर दिया है, कल अगर इसके लो के नीचे ट्रेड करके क्लोज कर देगा तो हमारा टारगेट इस पर 120 का होगा। ऊपर की तरफ अब ये स्टॉक निकलने वाला नहीं है, जैसा कि मैंने कल ही बोला था जब तक ये 130 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा हम इसको नहीं देखेंगे। ओरिएंटल बैंक भी ट्रेंड लाइन के आसपास तक पहुँच रहा है, PNB धीरे धीरे की स्टॉक करके मेरे ख्याल से 80 के पास तक ये स्टॉक भी चला आएगा। RBL बैंक ये एक रेंज में फंसा हुआ है, जब तक इस रेंज में है इसको ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों आप भी अगर हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए और अकाउंट ओपन होने के बाद में आप हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं। SBI ध्यान रखिएगा 305 के नीचे की क्लोजिंग मैंने बोला हुआ है, 305-304 के नीचे की क्लोजिंग अगर ये स्टॉक्स करना स्टार्ट करेगा तो 295 और 285 के टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ हमारा बाइंग लेवल है 316 का, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्लियर नहीं हो यार कहीं पे क्लियर बताओ, तो सर लेवल देखो ना, उस लेवल के ऊपर निकल जा रहा तो मैं क्लियर ही हूँ ना, 316 के ऊपर मैं बाइंग साइड में क्लियर हूँ, 305 के नीचे क्लोज करेगा तो मैं सेल साइड में क्लियर हूँ, कल अगर ये आज के लो को कल ब्रेक करता है तो कल ही शायद आपको 300 के टारगेट इसमें देखने को मिल जाए, तो मैं क्लियर हूँ, बस मेरा लेवल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरे लिए ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि मार्केट क्या चल रहा है, स्टॉक्स क्या चल रहा है, मेरे लिए मेरा लेवल इंपॉर्टेंट है। सिंडिकेट बैंक छोड़ दीजिए, इसको अभी नहीं देखना है। यूनियन बैंक पे थोड़ा सा देखना है कि ये स्टॉक 78 के पास तक आ सकता है, अगला सपोर्ट इसके पास 78 का ही है। यस बैंक 164 की क्लोजिंग है, 160 अलर्ट जोन है, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे लोग उस वीडियो पे गाली भी दे चुके हैं, कमेंट कर चुके हैं कि तुम्हारे बाप का शेयर है कि ये नीचे जाएगा। देखिए मेरे बाप का नहीं है ना आपके बाप का है, ध्यान रखिएगा मैं कुछ लेवल बता रहा हूँ, उस लेवल के नीचे स्टॉक्स वीक होगा, बस इतना मैं बोल रहा हूँ। 180 के ऊपर स्टॉक्स निकलेगा तो मैं खुद बाइंग करूंगा इसको 200
100 के टारगेट के लिए, और 160 के नीचे जाएगा स्टॉक्स तो मेरे ख्याल से 145 ये बड़े आराम से धीरे धीरे करके चला जाएगा, क्योंकि शायद ये एक आध दिन ये बड़ी कैंडल बन गई, इसमें लोगों को फंसा दिया गया, ये स्टॉक्स ऊपर जाएगा, लोगों ने बाइंग किया और फिर से स्टॉक्स मेरे ख्याल से जैसे ही ये 160 को ब्रेक करके क्लोज करना स्टार्ट करेगा, स्टॉक धीरे धीरे करके 145 के पास तक आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमें बैंक निफ्टी कल कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेल कर। दोस्तों हमारी ऑनलाइन क्लासेस डेली चलती हैं, शाम को 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, तो जो भी सज्जन ऑनलाइन ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं हमारे नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों हम बैंक निफ्टी को बाइंग करना होगा तो जब तक ये 29,500 के ऊपर नहीं निकलेगा मैं इसको बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 29,600 का, सेकंड टारगेट होगा 29,700 का और थर्ड टारगेट होगा हमारा 29,800 का, स्टॉप लॉस होगा हमारा 29,400 का। अगर ये नीचे की तरफ 29,200 को ब्रेक करता है कल तो हम इसको सेल करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 29,100 का, सेकेंड टारगेट होगा 29,000 का और थर्ड टारगेट होगा हमारा 28,900 का, स्टॉप लॉस होगा हमारा 29,300 का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।